हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड। तो ये बीएससी का सेमेस्टर 4 का ये पेपर 8 है, ठीक है। तो उसमें हम टॉपिक लिए हैं लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये एग्ज़ाम में आता है, ये एक्चुअली में थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम कैसे प्रूफ करें, ठीक है। चलिए प्रूफ। तो लेट द फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, ठीक है। और टेक द वैल्यूज क्या लें हम, x0 y0, x1 y1, ठीक है, इसी तरह जाएगा और xn y n तक जाएगा, ठीक है ना। सिंस वी हैव एन प्लस वन पेयर्स ऑफ वैल्यूज हमारे पास हो जाएगा, एन प्लस वन पेयर्स ऑफ वैल्यूज हो जाएगा, ठीक है। देन वी गेट अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। देन वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, इसी तरह जाएगा देन एक्स माइनस एक्स एन तक, ठीक है। फिर प्लस ए वन, इसमें क्या होगा कि एक्स माइनस एक्स वन लिए थे, अब इसमें होगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू, एक्स वन नहीं ले सकते इसमें, मैं बताऊँगी क्यों नहीं ले सकते हैं। देन एक्स माइनस एक्स थ्री, ठीक है, इसी तरह एक्स माइनस एक्स एन तक ये भी जाएगा। फिर प्लस ए टू लेंगे, इसमें एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, इसमें एक्स माइनस एक्स टू नहीं ले सकते हैं, एक्स माइनस एक्स थ्री लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह ये भी जाएगा एक्स माइनस एक्स एन तक, इसी तरह कंटिन्यू होगा। देन फाइनली ए एन तक जाएंगे, ठीक है। देन ए एन में क्या होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, इसी तरह कंटिन्यू होते जाएगा। देन फाइनली हो जाएगा एक्स माइनस एक्स एन तक, ये भी होगा। इसको इक्वेशन वन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। वेयर जो ये ए नॉट ए वन है, ए नॉट ए वन ए टू ए एन आर कॉन्स्टेंट टर्म है, आर कॉन्स्टेंट। सो हम पुट करते हैं एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट, यही है लॉजिक। यहाँ पे हम एक्स नॉट यहाँ पे क्यों नहीं लिए, अब पता चलेगा। एक्स इक्वल टू एक्स नॉट एंड वाई इक्वल टू वाई नॉट, देन फ्रॉम वन वी हैव, बस क्या हो जाएगा, वाई नॉट इक्वल टू ये ए नॉट है ही, ठीक है, और यहाँ पे x की जगह पे x नॉट माइनस एक्स वन, देन एक्स नॉट माइनस एक्स टू। अगर हम x नॉट यहाँ पे भी अगर लेते, ठीक है, तो x नॉट माइनस एक्स नॉट इंटू जीरो हो जाता, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाता, इस वजह से हम यहाँ पे x नॉट नहीं लिए थे। देन इसी तरह कंटिन्यू करेगा, x नॉट माइनस एक्स एन तक चला जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम पुट करें x नॉट, तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी इसमें भी देखिए x नॉट पुट करेंगे, ये जीरो, सारा टर्म अदर टर्म्स जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया। देन ए नॉट की वैल्यू क्या निकलेगा, वाई नॉट डिवाइड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू, इसी तरह कंटिन्यू एक्स नॉट माइनस एक्स एन तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए नॉट की वैल्यू। देन अगेन क्या करते हैं x की जगह पे x1 पुट करते हैं, y की जगह पे y1 पुट करते हैं, अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इसी में देन फ्रॉम वन वी हैव क्या होगा, y1 x की जगह पे हम अगर x1 पुट कर दे, तो इसमें तो x1 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कैंसिल, ये टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा।
अब सेकेंड टर्म में इसमें हो सकता है, देखिए एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू, क्योंकि इसमें एक्स वन नहीं है। अगर एक्स वन रहता तो ये टर्म भी जीरो हो जाता है, बाकी अदर टर्म में सारा में एक्स वन होगा तो सारा जीरो हो जाएगा, बस यही बचेगा। देन एक्स वन माइनस एक्स थ्री कंटिन्यू होगा एक्स वन माइनस एक्स एन तक, और वाई ए वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई वन बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री कंटिन्यू होगा एक्स वन माइनस एक्स एन तक, ठीक है। ये होल टर्म हो गया, इसी तरह कंटिन्यू होते जाएगा एंड फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, हमें देन फाइनली हमें मिलेगा जैसे कि वहाँ पे ए वन निकाले थे ए टू के लिए, सिमिलरली ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई टू डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स थ्री, एक्स टू नहीं होगा, अगर टू होगा तो वो जीरो हो जाएगा, तो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स एन तक कंटिन्यू करेगा ये, ठीक है। देन ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई एन डिवाइड बाई एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन माइनस एक्स वन, एक्स एन माइनस एक्स टू, ठीक है, कंटिन्यू होगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन तक रहेगा, क्योंकि एक्स एन माइनस एक्स एन कर देंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स एन एन माइनस वन तक रहेगा, ठीक है। देन नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन वन, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए वन की वैल्यू पुट करनी थी हमें, तो ए वन का वैल्यू था वाई नॉट डिवाइड बाई क्या था, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू कंटिन्यू हुआ था एक्स नॉट माइनस एक्स एन तक, ठीक है। एंड देन तो हमारे पास क्या था, ये जो वैल्यू है ऊपर में जो वैल्यू है तो हमें तो ए नॉट की वैल्यू मिली ना, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगा, वो इनटू में हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, इसी तरह कंटिन्यू आता एक्स माइनस एक्स एन, इसी तरह सभी में होगा, ठीक है। ए वन की वैल्यू जो थी वाई वन डिवाइड बाई क्या था हमारे पास, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स एन तक लास्ट, और ऊपर में जो बचा था एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन तक, ठीक है। ये प्लस ए वन हो गया, ए टू का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई टू डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स एन तक गया, ठीक है। और ऊपर में जो बचा रहेगा वो इक्वेशन वन में हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स एन तक, इसी तरह कंटिन्यू होते जाएगा। देन हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या थी, वाई एन बाई एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन माइनस एक्स वन, एक्स एन माइनस एक्स टू, ठीक है, ये कंटिन्यू हुआ था और एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन था, और ऊपर में क्या था हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, ठीक है, देन एक्स माइनस एक्स एन, ये हुआ हमारा प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए तो देख सकते हैं, अब हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।